नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। खबर रीवा जिले के करहिया मंडी की है, जहां आखिरकार 5 सालों के वनवास के बाद सब्जी मंडी के लिए बनी दुकानों का लोकार्पण हो ही गया। साल 2015 में हुए भूमि पूजन के बाद करीब छठे साल सब्जी मंडी की व्यावसायिक दुकानों को व्यापारियों को सौंपा गया। करीब 20 करोड़ से अधिक रुपयों की लागत से बनने वाली इस मंडी का ठेका तत्कालीन ठेकेदार केपी त्रिपाठी की फर्म देवी कंस्ट्रक्शन ने ले लिया था। लेकिन चुनावी चोखा चकने के बाद केपी त्रिपाठी विधायक बन गए, लेकिन व्यापारियों से रुपए लेकर दूसरे ठेके लेने के बाद भी ये दुकानें तैयार नहीं हो सके। यहां तक कि 6 साल, सुन लीजिएगा, 6 साल इन व्यावसायिक दुकानों को तैयार होने में लग गए। और आज ये सीना चौड़ा कर सब्जी मंडी का लोकार्पण करते हुए जिले के सांसद विधायक भाषण पे भाषण दे रहे हैं। लेकिन विकास की इस बयार को 1 साल में पूरा बह जाना था, उसे 5 साल से ज्यादा का समय क्यों लग गया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल को करने से हर कोई बचता नजर आ रहा है। आज भरे मन से सांसद विधायक पुरानी मंडी को कीचड़ से सनी और नर्क बता रहे हैं, लेकिन इन्हीं नेताओं की कृपा से व्यापारियों को 5 साल से ज्यादा समय तक जानबूझकर उसी कीचड़ में व्यापार करने को मजबूर किया गया। नवीन मंडी के निर्माण की आधारशिला के बाद इतना समय लगने का विरोध व्यापारियों ने किया। स्थानीय मीडिया ने इस विरोध की खबरें चलाई, तब इन ठेकेदार नेताओं की कुंभकर्ण नींद खुल सकी। खैर, स्थानीय नेता मनमस्त हाथी की चाल चलने को विकास कहते हैं तो कहते रहे, लेकिन अब जनता ही इनका इलाज कर सकती है। मोतीलाल राजेंद्र कुमार दशरथ, ये ए ब्लॉक। अजय कुमार, सचिन कुमार, छेदी लाल अवधेश,
कर दी भैया, ठीक है। बीडी भाई, राज भाई, मंडी बोर्ड के सभी अधिकारीगण और मित्रों, अगर उस मंडी की हालत देखें तो व्यापारियों के लिए अच्छा था कि बुरा था मालूम नहीं। मैंने कभी व्यापार किया नहीं, व्यापार के मामले में हमको कोई जानकारी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं है, पर उपभोक्ता और किसान के लिए तो वो नारक था। वो दोनों चीज़ें वहाँ थी, व्यापारी भी परेशान थे, इसीलिए तीन तिगड़म करते हुए भी यहाँ वो सब राजी हुए कि नहीं, यहाँ ही रहना है, यहाँ आना है। तो इसका मतलब व्यापारी भी वहाँ परेशान थे। और आज इस मंडी के बन जाने से केवल व्यापारी ही नहीं, उपभोक्ता ही नहीं, सबसे बड़ा लाभ यहाँ के किसानों को होगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, भट्टी ये सब फल और सब्जी व्यापारियों से निवेदन है कि से इस जिले के फल और सब्जी के किसानों का भविष्य यहां से निर्धारित हो। आप सब अपना व्यवसाय करें, सरकार को लाभ मिलेगा, सरकार अपनी व्यवस्था करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन किसान यहाँ आए और वो परेशान होकर के न जाए। पूरा ऐसा लगता है कि पूरा मेला लगा हुआ है, सवेरे 5 बजे 4:30 बजे यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती। इतने बड़े लोगों के व्यापार से जुड़ा हुआ काम रीवा के सबसे छोटे जगह पर होता था, जिसकी आने जाने की गलियां गली नहीं थी बल्कि गली से भी ज़्यादा सक्रिय थी। वहीं सब घुसे हैं, वहीं जूझ रहे हैं। और शिल्पी प्लाजा के पीछे जो पार्किंग बनाई थी उसमें सवेरे फल और सब्जी लेके 20-20 टके के ट्रक आते थे, तो आ तो जाते थे लेकिन फिर नो एंट्री में फंस जाते थे, तो दिन भर खड़े रहते थे, रात में निकलते थे। तो पूरा ट्रैफिक के जो ट्रैफिक व्यवस्था थी, जो पार्किंग के स्थान थे, वो फल और सब्जी के ट्रकों से पूरा दिन भर पैक रहते थे। आम आदमी वहाँ पर गाड़ी भी गुजर सकता था, और इसलिए समस्या तो थी। लेकिन जैसा बीडी जी ने बताया कि जब ये लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि बाहर जाना है, मुझे मालूम था कि फल और सब्जी मंडी वालों को बाहर ले जाना बहुत कठिन काम होता है। जब ये आए मेरे पास तो मैंने भनी मन सोचा कि ये तो खुद ही आ गया हमारे पास, अब ना चूक चौहान, अब नहीं चूक रहा है। उनका बताइए कहाँ बनाना है, इन जेल के बगल में है, यहाँ पर है, वहाँ जहाँ जहाँ गए हमने कहा कि कलेक्टर को बुलाया, वहाँ पर सबकी विजिट हुई, यहाँ पे बना दें, यहाँ बना दें, फिर जब वो बनाए लगे कहीं ये झंझट है, कहीं वो झंझट है। पुलिस लाइन की जमीन को बताया इन्होंने, तो वहाँ पे जाके पूरे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।